एक हेडिंग बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, एंट्री इन इंटरनेशनल रिलेशन, एंट्री इन इंटरनेशनल रिलेशन। अभी जो आपने जाना था थोड़ा मोड़ा, ये आपने जाना था थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका कि क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन, लेकिन अब एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन को बनाने के लिए एक द्वार चाहिए, प्रवेश द्वार, है ना। जैसे आप यहाँ आते हैं तो एंट्री का जगह है। अब हम चूंकि दो तरह के डिप्लोमेसी की चर्चा किए थे, एक ओल्ड की एक न्यू की, तो न्यू को बोला था कि 1945 से चल रही है, और साथ में न्यू में ये भी बताया था कि ये हाईली ओपन है, टाइम खुली है, ठीक है। और अगर कोई चीज़, किसी भी चीज़ की जो यात्रा है, अगर वो काफ़ी समय से आ रही हो, जैसे यहाँ से चले हो 1945 से और आप 2024 में हो, है ना, तो हर स्टेप्स पे देखेंगे तो एक चेंज आपको दिखेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1945 टू 2024 जो डिप्लोमेसी है या जो इंटरनेशनल रिलेशन है वह हाईली ओपन है। अगर उस समय, इस पूरे दौर में हाईली ओपन है तो कहीं कम कहीं ज़्यादा भी हुआ होगा, है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि आप 20 साल के हैं, तो आप 5 साल में 20 साल जैसे थोड़ी लगते थे, टाइम के साथ आप चेंज होते गए ना। आप 20 साल के हैं लेकिन 20ों साल आप एक जैसे, 20 साल से एक जैसे नहीं हैं आप। वैसे ही ये 1945 से 2024 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंटरनेशनल रिलेशन हाईली ओपन है या डिप्लोमेसी हाईली ओपन है, लेकिन हाईली में भी कई हाई जंप हुए होंगे। भारत ने भी अपने इंटरनेशनल रिलेशन को दूसरे देशों के साथ कमोबेश एक जैसा नहीं रखा होगा। एक जमाना था जब अमेरिका हमारी तरफ देखता नहीं था, और हम अमेरिका से रिश्ते बनाने के लिए उद्वेलित थे, क्योंकि पावर के साथ हर कोई जाना चाहता है, पावर में अपनी प्राप्ति की संभावनाएं रहती हैं, और अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है। तो आज़ादी के बाद के एक दो दशकों में हम अमेरिका की तरफ इसलिए झुकना चाहते थे क्योंकि प्राप्ति की संभावनाएं थी, लेकिन पावरफुल व्यक्ति हर किसी को घास डालेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अमेरिका भी उसी फितरत का था, क्योंकि हमारी नैसर्गिक मित्रता उस समय मास्को से, रसिया से, यूएसएसआर से, ऐसा समझ लीजिए था, और एक समाजवादी दृष्टिकोण है वो, और एक पूंजीवाद, इन्हीं दोनों के बीच में दो ध्रुव थे, दो प्रकार, मतलब एक संघर्ष था आपस में, और हम गुटनिरपेक्ष थे। तो हमको इंटरनेशनल रिलेशन में प्रवेश लेने के लिए कुछ ताकतों के बीच होना था, और उस समय की ताकत अमेरिका था ही, और ज़रूरत को कौन पूरा करेगा या प्राप्ति किससे संभव है, जिसके पास पावर है। लेकिन पावर जिसके पास होता है वो पावर वाला अपने ढंग से सोचता है, डिप्लोमेसी में वो भी तो, कूटनीति में वो भी तो अव्वल होगा ना, कि भारत को इस तरीके की मदद दी जाए ना दी जाए। हम तो उधर पूर्ति में भी कमज़ोर थे, हमारे यहाँ तो गेहूं चावल भी इतना नहीं पैदा होता था कि अपने देश की जनसंख्या को खाना खिलाया जा सके। ऐसा नहीं था कि हमारे पास सामर्थ्य की कमी थी, हमारे पास धीरे धीरे वो चीज़ उभरी। अब जैसे 5 साल का बच्चा है उससे 20 साल का काम लेने लगेंगे तो 20 साल में तो वो सामर्थ्य दिखाएगा, लेकिन 5 साल में तो वो नहीं दिखाएगा ना। वही भारत की स्थिति थी, 60 में भारत, 50 में भारत, और 2024 का भारत, भारत में भी तो कई भारत हो गया ना। आज का भारत उत्पादन में हो, उधर पूर्ति में हो,
या और मामलों में हो, तुलनात्मक बृहत है, बड़ा है, व्यापक है और अपने को काफी डिग्निफाई किया है और स्वयं एक ताकतवर देश हो गया है। अब जब आप ताकतवर हुए हैं तो दूसरी ताकतों के साथ जो रिश्ते होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा मात्रा की प्रचुरता बढ़ जाएगी। जो अमेरिका 60 के टाइम में भारत को घास नहीं डालता था, आज उसी की गाय हम पाले हुए हैं और घास खिला रहे हैं। रसिया की बात छोड़ दीजिए, रसिया हमारा नैसर्गिक मित्र है। उस समय सोवियत संघ के रूप में था, सोवियत संघ का विभाजन 90s में हुआ तो रूस के रूप में हो गया, तो हमारे उसके रिश्ते तो ठीक थे, लेकिन रिश्ते महज एक दो देशों से नहीं बनता ना। हमने बोला मल्टीलेटरल की बात कही ना, हम द्विपक्षीय भी हो सकते हैं, बहुपक्षीय भी हो सकते हैं, वैश्विक भी है। अब तो हमारे हमारी डिप्लोमेसी तो ग्लोबल है, हमारे रिलेशन तो ग्लोबल हो गए ना। तो देश का, दुनिया का कौन सा कोना जहां हम एंट्री नहीं किए हैं, तो एंट्री इन इंटरनेशनल रिलेशन में जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रवेश को देखेंगे तो धीरे धीरे आपने एंट्री किया ना। जब इस शहर में आप पहली बार आए थे तो आपको तो नेहरू कॉलोनी भी नहीं पता था, घंटा घर कहाँ किसी से पूछे ही होंगे, लेकिन आज पूरा शहर आप रौंद देते हैं। तो जब आप समय दिए, अपनी परिस्थिति अपने स्टेटस को बढ़ा लिया, आने जाने का जगह बना लिया, कार गाड़ी ले लिया, तो अब क्यों पूछेंगे। तो वैसे धीरे धीरे भारत ने भी दुनिया को अलग अलग जगहों पे जा जा करके या बुला बुला करके एक कोऑर्डिनेशन, एक रिलेशन डेवलप कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति पहले तो आते ही नहीं थे, 20-20 साल नहीं आते थे, 20-20 साल नहीं आते थे। क्यों आएंगे? बराक ओबामा पहले राष्ट्रपति हैं जो गणतंत्र दिवस पे 2015 में मुख्य अतिथि थे। 1947 से 2015 के बीच में, हालांकि ये परंपरा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से शुरू हुई थी, वहाँ से यात्रा अगर आप देखें तो ओबामा 2015 में, इसके पहले कोई भी राष्ट्रपति को देखेंगे तो राष्ट्रपतियों के भारत में आने के जो सिलसिले हैं वो मुख्यतः देखें तो, वैसे तो दो राष्ट्रपति पहले के भी हैं, बट जो लगातार राष्ट्रपतियों के आने के हैं कि कोई भी राष्ट्रपति भारत अब आता है, वो बिल क्लिंटन से शुरुआत हुई। बिल क्लिंटन आए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश आया, बराक ओबामा आए, ट्रंप आया, जो बाइडन आए। अब कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो भारत आता है, जबकि कार्यकाल 4 साल होता है। और हमने बताया कि 200 साल तक राष्ट्रपति नहीं आते थे अमेरिका में, अमेरिका के भारत में, तो 20 साल में तो 4-5 राष्ट्रपति भी बदल सकते हैं, मतलब चार चार पांच पांच राष्ट्रपति हो जाते थे, भारत नहीं आते थे। बिल्कुल बराक ओबामा 2 बार आए, ट्रंप आया, ट्रंप तो फरवरी 2020 में आया था, कोरोना के टाइम में गुजरात में हुआ था ना कार्यक्रम। जो बाइडन अभी आए थे G20 की मीटिंग में, इसके पहले बराक ओबामा का 2 बार कार्यकाल था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश आया जूनियर वाला, उसका बाप सीनियर था, वो नहीं आया जो इराक को तोड़ा था 1991 में। बिल क्लिंटन आया, बिल क्लिंटन छोड़ दीजिए, उनकी पत्नी कई बार आई, हिलेरी क्लिंटन, बहुत अच्छे रिश्ते हैं भारत का हिलेरी क्लिंटन से निजी तौर पे देखा जाए तो। ठीक है, तो अब हमारी पॉलिटिक्स तो पिछले 2-2.5 दशक में देखेंगे बहुत चेंज हो गई, लेकिन हम कह रहे हैं 1945 से 2024 के बीच में जो हाईली ओपन डिप्लोमेसी डेवलप हुई उसमें भी क्वालिटी डेवलप हो गई अनेक अनेक प्रकार की। ठीक है, तो आज के दौर में जो रिलेशन का भाव है वो कैसे प्राप्त हुआ, थोड़ी सी एंट्री से इसकी शुरुआत करते हैं। तो एंट्री इन इंटरनेशनल रिलेशन एक हेडिंग डालें और लिखें द मॉडर्न फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, द मॉडर्न फॉर्म
फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी वाज एक्सपोज्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और एक्सपोज्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। द्वितीय विश्व कौन है क्लास में यार, जरा एंट्री कर लो, कौन है क्लास में? ठीक है, क्या लिखा? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय समाज का आधुनिक रूप उजागर हुआ। आधुनिक रूप उजागर हुआ, लिखो। सेवरल स्टेट्स ऑफ अफ्रीका, सेवरल स्टेट ऑफ अफ्रीका एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द इंटरनेशनल थिएटर अफ्रीका एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द इंटरनेशनल थिएटर। अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप के अनेक राज्य, राज्य स्टेट का यहाँ कंट्री समझा करो, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर पहली बार प्रकट हुए। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका लिख दो, यूएसए लिखना चाहते लिख दो, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अटेंड न्यू स्टैंडर्ड्स को नवीन स्तर प्राप्त हुए, लिखो। अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द ट्रेडिशनल रिलेशंस ऑफ द स्टेट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ नॉलेज राज्यों के पारस्परिक संबंधों में रुचि बढ़ने के कारण, रुचि देखो तुम्हारा नाम आ गया इसमें, हाँ, राज्यों के पारस्परिक संबंधों में रुचि बढ़ने के कारण ज्ञान की नई शाखा का विकास हुआ। लिखो, बेंथम गिवन अ नेम बाय बेंथम, ऐसा कर दो, बाय बेंथम गिवन अ नेम्ड इंटरनेशनल रिलेशंस, बेंथम ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का नाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का नाम किसने दिया? हाँ, उसका पूरा नाम था जेरेमी बेंथम, ये पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा विचारक है। ठीक है, वेयर एज बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वेयर एज अगर कभी एग्जाम में लो कि किसने इंटरनेशनल रिलेशन नाम दिया, तो क्या टिक करोगे? बेंथम। ठीक है, वेयर एज बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जबकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में
द इम्फेसाइज वॉज ऑन इंस्टीट्यूलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या इंस्टीट्यूशनलाइजिंग कर दो, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग, इंस्टीट्यूशन लिख करके लाइजिंग लगा दो, ठीक है ना, लाइजिंग, एल आई जेड आई एन जी कर लेना, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, आगे लिखो इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस बाई इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशंस, एंड ऑर्गेनाइजेशन के बाद ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन द्वारा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे संगठन बने, कानून बनाए गए, विश्व बैंक को सब आए, संयुक्त राष्ट्र संघ आया, ऐसे सब आने लगे, उन संगठन कानून और संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को संस्थागत बनाने पर बल दिया जा चुका था। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक प्रकार से संस्थागत कर दिया गया, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग कर दिया गया। आगे लिखो शीत युद्ध का उद्भव, हिंदी में लिखो शीत युद्ध का उद्भव, सबसे पहले क्या उद्भव हुआ था, शीत युद्ध, ठीक है, कोल्ड वॉर, द यूएस एंड सोवियत, यूएस एंड यूएसएसआर लिखो, यूएस एंड यूएसएसआर इमर्ज एज टू सुप्रीम पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये कहना चाह रहे हैं। लिखो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति के रूप में उभरे, टू सुपर पावर्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, 1945 में, ठीक है, और वहीं से दो ध्रुव बने, एक सोवियत संघ हो गया, एक अमेरिका था, तो ये दो पोल डेवलप हो गया दुनिया में। लिखें द बेस्ट एंड द बेस्ट वर्ड टू एक्सप्लेन द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम कोल्ड वॉर, देम इज कोल्ड वॉर, इनके बीच का आपसी संबंध को समझने हेतु, इनके बीच के आर्थिक संबंध को समझने हेतु सबसे बेहतर और समुचित शब्द शीत युद्ध है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा शब्द है शीत युद्ध। आगे लिखें, इट वॉज अ क्लैश ऑफ टू आइडियोलॉजीज, क्लैश टकराहट, इट वॉज अ क्लैश ऑफ टू आइडियोलॉजीज, यह दो विचारधाराओं की टकराहट थी। द फर्स्ट क्लैश वॉज द, लाइन बदलो, द फर्स्ट क्लैश वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म, पहली टकराहट पूंजीवाद और साम्यवाद की विचारधारा थी। द सेकेंड क्लैश वॉज नाटो एंड वर्सा मिलिट्री ग्रुप्स,
वर्षा मिलिट्री ग्रुप, वर्षा की स्पेलिंग क्या लिख रहे हो? हाँ हाँ स्पेलिंग क्या लिख रहे हो? नाटो, NATO लिख रहे होगे। द वर्षा सैन्य गुट थी, लिखो, दूसरी टकराहट नाटो तथा वर्षा सैन्य गुटों की थी, क्या लिख रहे हो? हाँ स्पेलिंग बताओ यार, क्या लिख रहे हो तुम? W, गुड, कई लोग नहीं लिखे होंगे इसलिए पूछ रहा हूं। WARSAW, मिलिट्री ग्रुप्स। कितने लोगों ने ईमानदारी से बताइए कि जो विद्युत ने बताया वो अंग्रेजी लिखे थे? विद्युत कलाओं किसी ने नहीं लिखा था इसलिए पूछ रहा था। WARSAW और नाटो के बीच में एक संघर्ष तो वर्षा के बीच में था और दूसरा दोनों के बीच में कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म का था, साम्यवादी बोलते हैं उसको। तुमने हिंदी में लिख लिया बेटा दोनों? हाँ, पहला वाला है, पहली टकराहट पूंजीवाद और साम्यवाद की विचारधारा थी और दूसरी टकराहट नाटो और वर्षा सैन्य गुट की थी। नाटो के अंगेंस्ट वर्षा बनाया गया था, ठीक है ना? नाटो आया तो वर्षा आया। अब जैसे वर्षा में जितने कंट्री शामिल थे, जितने कंट्री इसमें शामिल होंगे, ऐसा होता है ये गुट में क्या है, जैसे नाटो है, नाटो में इस समय कितने देश हैं? 30 देश हैं। अगर ये फिनलैंड वगैरह सब शामिल हो जाएंगे तो 32 होने की संभावना है, ठीक है? और यूक्रेन इसमें शामिल होना चाह रहा था, बर्बाद हो गया वो। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी देश में इसके किसी भी सदस्य पर अगर कोई देश हमला करता है तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य होता है नहीं, तो जब नाटो पे अगर आक्रमण, नाटो के देशों पर आक्रमण करता रसिया, तो अमेरिका से लेकर इंग्लैंड यानी जितने भी नाटो के देश हैं वो सभी अपना हमला मान करके खुल के युद्ध करते हैं। इसलिए देखो कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य नहीं है तो बाकी अप्रत्यक्ष लड़ रहे हैं, उसको हथियार पैसा सुविधा जो भी वो दे रहे हैं। लेकिन यही अगर नाटो के सदस्य देशों पे हो जाते तो खुल के अमेरिका की मिसाइलें गरजती, तो इसमें वो सेफ्टी खोज रहा है। मतलब नाटो जो है मैं इसलिए जाना चाहते हैं कि ये ताकतवर देशों का समूह है। और इसी तरह वारसा का भी है, एक सैन्य गुट है कम्युनिस्ट का, इधर वालों का, रसिया वालों का, कि इसमें जो सदस्य देश हैं जैसे बेलारूस, उसका नाम सुने हैं ना, सब इसमें शामिल हैं। बेलारूस शामिल हैं, बेलारूस का नाम सुना है ना, शामिल है ना, तो बेलारूस के लोग भी तो लड़ रहे हैं इसमें। जो इसमें शामिल होंगे वो युद्ध सबके लिए हो गया। तो पहले नाटो आया था, फिर वारसा आया था, उसी का पोच में कैपिटलिज्म कम्युनलिज्म, दो तरीके की टकराहट आपको देखने को मिली। लिखो, देयर आर टू ओपिनियंस, देयर आर टू ओपिनियंस अमॉन्ग द थिंकर्स अबाउट द राइज ऑफ द कोल्ड वॉर, द राइज ऑफ द कोल्ड वॉर। रुचि समझ में आ रहा है? लिखो, शीत युद्ध के उदय को लेकर चिंतकों में दो मत रहे हैं। दो मत रहे हैं शीत युद्ध के को लेकर के, जो विचारक थे उनके दो दृष्टिकोण रहे हैं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लिखो थिंग्स,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थिंग्स या फर्स्ट ओपिनियन लिख सकते हो, प्रथम मत के अनुसार पहला ओपिनियन क्या है? अंडर द फर्स्ट ओपिनियन, प्रथम मत के अंतर्गत, लिखो अंडर द फर्स्ट ओपिनियन, इट्स राइज अ अट्रीब्यूटेड अट्रीब्यूटेड टू द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। In 1917, प्रथम मत के अनुसार इसका उदय 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति से हुई। इट्स राइज इज अट्रीब्यूटेड टू द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया इन 1917। इसका उदय कईयों ने माना कि पहला, एक का मानना है कि जो रसिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार शुरू हुआ वो 45 में नहीं हुआ है, वो 1917 से हुआ है, बोल्शेविक क्रांति से। लेनिन का नाम सुने हैं कि नहीं? हाँ, बोल्शेविक क्रांति कौन करा किया? लेनिन ने, ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना है, एक एक विचारक मानता है, तुम लोगों को देख के यार लगता कम ही समझ रहे हो। रुचि समझ रही है कि नहीं? हाँ, कहीं इतनी ढीली रहती है, कोई दिक्कत है क्या बेटा? हाँ, चटक रहा कर थोड़ा। देख, 1917 में क्या हुआ, एक लोगों का मानना है कि 17 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसे लेनिन क्रांति भी कहते हैं, यहाँ से अमेरिका और रशिया के बीच में, या यूएसएसआर यहीं तो बना था, यूएसएसआर यहीं से तो पैदा हुआ था, ये यूएसएसआर पैदा होने की जगह है, इस ये यहाँ से इनके बीच में कन्फ्लिक्ट आया है। अमेरिका आज का थोड़ी है, अमेरिका तो 250 साल से है, चल रहा है वहाँ का डेमोक्रेसी। आगे लिखो, His views was the US. His views was that the US and Britain did not immediately recognize Russia. इनका दृष्टिकोण था कि अमेरिका और ब्रिटेन ने तत्काल रूस को मान्यता नहीं दी थी, नहीं समझे? जब 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई तो जो देश जिसको हम यूएसएसआर बोल रहे हैं, इसका जब आया स्वरूप, तो अमेरिका ने तुरंत रिकग्नाइज नहीं किया इनको। जब 1971 में बांग्लादेश से पाकिस्तान अलग, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तो बांग्लादेश को पहला देश है जो रिकग्नाइज किया कि हाँ, ये दुनिया का एक दूसरा कंट्री है, वो भारत था। दुनिया के और देशों ने इसको रिकग्नाइज किया, लेकिन ब्रिटेन ने रिकग्नाइज करने में देर कर दिया, 7 साल लगा दिया। 1917 की तुलना में ब्रिटेन आएंगे तो 1924 में ब्रिटेन ने इसको रिकग्नाइज किया, और अमेरिका ने इसको 1933 में किया। तो यह माना गया कि अमेरिका इस चीज को यहां निर्मित हुआ तुरंत रिकग्नाइज नहीं करके एक प्रकार से इसके मन में दोराह था,
समझ में आया? आप तुरंत क्यों नहीं बोले कहाँ ठीक है? तो बोला गया कि फर्स्ट थिंग कहता है, फर्स्ट जो पहला मत है कि अमेरिका ने इसको 17 में बोल्शेविक क्रांति से जो रशिया का था इसको यूएसएसआर को रिकॉग्नाइज नहीं किया तुरंत, उसको रिकॉग्नाइज करने में पूरे लगा दिए 16 साल। तो शीत युद्ध तो उसी समय शुरू हो गया था। अरे हमने आपसे कहा हमको 100 रुपया दो, आपने जवाब नहीं दिया, दिया नहीं, तो कोल्ड वार तो आपने शुरू कर दिया ना। नहीं समझे? घरों में झगड़े कैसे होते हैं, हमेशा तलवार चलती है क्या? यहां बताओ, कोल्ड वार ही तो चलता है, शीत युद्ध। कोई कहीं जाना चाहता है, आपने अप्रूवल देने में 2 घंटे दिए, तब तक तो उसका दिमाग खराब ही रहेगा ना। हाँ, उसने पूछा कि मुझे जाना है पिकनिक मनाने, आपने नहीं मतलब जवाब ही नहीं दिया उसका कि जाने वाला, बोले तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी में आपकी मर्जी नहीं आई ना, वो तो आपकी मर्जी जानना चाह रहा है, और आप ऐसा करते करते 10 बजा दिए, तब तक तो कोल्ड वार जगह ले लिए थे। ठीक है, लिखो, इसमें लिखो ब्रिटेन इन 1924 एंड अमेरिका इन 1933 रिकॉग्नाइज्ड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ रशिया। कम्युनिस्ट जो सरकार बनी उसको रिकॉग्नाइज करने में उसने, ब्रिटेन ने 24 में और अमेरिका ने 33 में किया था। सुनो ऐसे समझो, पाकिस्तान ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था और वो था मुशर्रफ। मुशर्रफ ने एक सैन्य प्रमुख था वो पाकिस्तान का, और उसने तख्ता पलट किया नवाज शरीफ की सरकार को पलट करके, मतलब तो ख़त्म करके, जेल में डाल करके अपनी सत्ता बना ली। ठीक है, नवाज शरीफ का मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मुशर्रफ का मतलब एक तानाशाह। उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आस पड़ोस में अगर तानाशाही चलेगी तो उस गवर्नमेंट को इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और तानाशाही सत्ता को कैसे रिकॉग्नाइज कर देगी? मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को ख़त्म किया और खुद शासक बन गया। एक तरफ एक तानाशाह की सत्ता, दूसरी तरफ हमारे देश में तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था रहती है और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा पर्सनालिटी हो तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, मतलब आपस में कुछ हो नहीं सकता। अच्छा खासा वक्त निकल गया, दोनों देशों के बीच कोई बात नहीं, कोई संबंध नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक तानाशाह से कैसे सामने आमने बात कर सकता है? जैसे हमको अगर किसी गुंडे से बात करना हो तो हम क्यों करेंगे, हम उसको रिकॉग्नाइज क्यों करेंगे कि हमारे साथ उठ के बैठे? हम बात ही नहीं करेंगे उससे। किसी प्रोफेसर से बात करें, किसी आईएएस से बात करें, किसी विद्यार्थी से, ये तो समझ में आता है।
हम गुंडे से क्यों बतियाएं यार? बहुत सालों तक भारत ने मुशर्रफ की सत्ता को रिकग्नाइज नहीं किया, प्रस्ताव भेजता था, भारत एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि हम तुम्हारी सरकार ही नहीं मानते। सरकार नवाज शरीफ की थी, तुम तो उसको हड़प करके तानाशाही किए हो, और पाकिस्तान की ज़मीन में तानाशाही बोई गई है। पाकिस्तान की ज़मीन में दो चीज़ें खूब तेज़ी से उगती हैं बिना खाद गोबर के ही, एक आतंकवाद और दूसरा तानाशाह। दो की खेती बहुत लहलहाती है वहाँ पे, और ये अपने उदय काल से ही तानाशाह का शिकार रहा है पाकिस्तान। जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम सुने होंगे, बेनजीर भुट्टे के फादर, जो जरदारी आज देख रहे होंगे, जो बिलावल भुट्टो है जो शहबाज शरीफ के साथ सरकार में है, ये सब उसी शाखा में से हैं। ये बेनजीर भुट्टो का बेटा है बिलावल भुट्टो, और उनके फादर थे जियाउल हक, ये भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो, और एक था जियाउल हक, जिनको उनको ऐसे लटका दिया था, निर्वस्त्र लटकाया था, निर्वस्त्र। ये देश के प्रधानमंत्रियों का हालत है वहाँ का, और वो प्रधानमंत्री था जो इंदिरा गांधी के साथ बैठकर शिमला समझौता किया था, उसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। उसको जान से मार दिया, और बाद में उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनी थी बेनजीर भुट्टो, बाद में उसकी भी हत्या हो गई थी। तो वहाँ पाकिस्तान की ज़मीन में तानाशाह बोए जाते हैं और खेती खूब लहलहाती है। वहाँ की सत्ता में सेनाओं का दखल बाकायदा रहता है, जैसे गेहूं के साथ लेंटेना होता है, वैसे पाकिस्तान की सत्ता के साथ आर्मी होती है, अलग नहीं किया जा सकता। ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी डिफरेंसेस आल्सो रिमेंड बिटवीन द टू, बिटवीन से भी काम चला सकते हैं, बिटवीन यूएसए एंड इसार कर ले, यूएसए एंड बिटवीन यूएसए एंड इसी दौरान दोनों में अनेक मतभेद भी बने रहे, खत्म करो। डिफरेंस आल्सो रिमेंड बिटवीन द दोनों में एक मतभेद बना रहा, बिटवीन यूएस एंड रशिया, रशिया और अमेरिका में मतभेद बना रहा। ये तो पहला मत है, ठीक है। असल में इसकी कहानी ये थी, थोड़ी सी अगर प्रकाश डाल दूं तो, जो यूएसए था और जो यूएसएसआर है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ साथ लड़ रहे थे। अभी आपने लिखा ना, अगेंस्ट टू किसके, फासिस्ट पावर, अमेरिका और सोवियत संघ साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में साथ थे, साथ साथ लड़ रहे थे, ठीक। दो गड़बड़ी हुई, लड़ सक किसके खिलाफ रहे थे, फासिस्ट के। फासिस्ट कौन था, अरे जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था ना, तो जर्मन का हिटलर था वो, फासिस्ट था वो, उसके अंगेंस्ट युद्ध हो रहा था। ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया सब एक तरफ थे, और जो जापान वगैरह थे सब जर्मनी की तरफ थे, जापान भी लड़ रहा था जर्मनी की तरफ से, ठीक। एक प्रकार से देखा जाए तो यूएसए हो यूएसएसआर हो, किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, फासिस्ट के, तब दोनों साथ लड़ रहे थे। दो गड़बड़ी हो गई जो साफ साफ दिखती, एक गड़बड़ी ये हो गई कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ने
स्टर्लिन को, उस समय वहां का राष्ट्रपति स्टर्लिन था, स्टर्लिन को फासिस्ट कह दिया। उसने कहा एक फासिस्ट को हराने के लिए दूसरे फासिस्ट की सहायता नहीं ले सकते। एक फासिस्ट को हराने के लिए दूसरे फासिस्ट की सहायता नहीं ले सकते। किस फासिस्ट को हराना था, खत्म करना था? हिटलर को। और किसका सहारा नहीं ले सकते? स्टर्लिन का। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने खुले मंच पे स्टर्लिन को फासिस्ट कह दिया, तो गुस्सा तो आएगा ही, हाँ आएगा गुस्सा। एक तो वहां से प्रॉब्लम हुआ, दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा दिया। अब रसिया यानी नाराज हो गया, अब पूरी दुनिया को पता चला रही इसके पास तो परमाणु बम है, उसके पहले किसी को नहीं पता था। तो पूछा, आपने बताया क्यों नहीं, आपको बताना चाहिए ना कि आपके पास ये सब है। भाई मैं आपकी कार में आपके साथ जा रहा हूं और आपने चौराहे पे कार में गोली मार दिया, मैं आपसे पूछूंगा ना कि आपने पिस्तौल रखा था, हमको बताया क्यों नहीं, उतारो कार से मुझे, अब हम तुम्हारे कार में यात्रा नहीं करेंगे, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम पिस्तौल लेके चलते हो। एक तरफ वहां ब्रिटेन का प्रधानमंत्री फासिस्ट कह रहा है स्टालिन को, दूसरी तरफ तुम परमाणु बम गिरा रहे हो, तुम हमको पता ही नहीं। यहीं से रास्ते अलग हो गए और परमाणु बम को संतुलित कैसे किया जाए, एक और परमाणु बम बनाया जाए। एक क्यों बनाए, हम इतना बनाएंगे कि पृथ्वी को दर्जनों बार तोड़ डालेंगे। अमेरिका और रसिया के पास परमाणु बम इतने हैं कि पृथ्वी को दर्जनों बार खत्म किया जा सकता है। कितना बना लो सब खत्म कर देंगे, फिर बनाओ फिर खत्म करेंगे, फिर बनाओ फिर खत्म करेंगे। तो दूसरा परमाणु बम किसने बनाया, रसिया ने, ठीक है। मास, अरे मास को समझो, यो ससार था। फिर चांद पे चलो, चलो हम भी चलेंगे, स्टार वार, दोनों के बीच स्टार वार शुरू हुआ। तू डाल डाल मैं पात पात, तुमने स्कॉर्पियो खरीदा मैं क्रेटा, तुमने मर्सिडीज खरीदा वेंटले, ये खरीदने में बेचेंगे नहीं कुछ, बर्बाद नहीं होंगे। तूने एक पैक पिया मैं पूरी बोतल पीऊंगा, लीवर किडनी किसका डैमेज होगा। तो दोनों के बीच के संघर्ष से नुकसान भी तो होगा, और सोवियत संघ 90 आते आते टूट गया। 1917 में सोवियत संघ बना और 1987 जोड़ो कितना साल होता है, 1917 से 87 अगर जोड़ोगे, हाँ 70 साल होंगे, समझे ना, 70 साल तक अमेरिका का कोई राष्ट्रपति मास्को नहीं गया है। कहाँ से, 17 से 87 तक। 1987 में रोनाल्ड रीगन मास्को गया, रोनाल्ड रीगन अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो मास्को गया, बोरिस एल्सिन बहुत नाराज हुआ। बोरिस एल्सिन ने कहा कि रोनाल्ड रीगन मास्को आया है, कुछ ना कुछ अनहोनी होगी,
और 90 आते आते मां सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। यूक्रेन भी उसी का देश था, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान सब उसी के थे, बेलारूस उसे सुनते हो, सब संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ के हिस्से थे, सब 15 देशों में तब्दील हो गया। बोरिस एल्सिन ने आरडीएक्स ट्रक में भर के मास्को का संसद उड़ाने निकल गया, ट्रक में आरडीएक्स भर लिया और लेके चल दिया कि इस पार्लियामेंट को ही उड़ा देंगे। इन हरामखोरों ने कैसी पॉलिसी बनाई, देश ही टूट गया। और रूस का पहला राष्ट्रपति कौन था? बोरिस एल्सिन। और उसी का उत्तराधिकारी है व्लादिमीर पुतिन। किसका? बोरिस एल्सिन का। जब कक्षा 9 में पढ़ता था तो लेनिनग्राद की सड़कों पर, यानी मास्को में लेनिनग्राद सड़क होगी, जैसे अपने महात्मा गांधी मार्ग और ऐसे हैं, तो लेनिनग्राद की सड़कों पर घूमते समय मैंने पहले ही यह सोच लिया था कि अगर युद्ध तय हो गया तो पहला पंच मैं मारूंगा। उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। वो जहां भी रहता है पहला ही पंच मारता है। सत्तर साल से ज्यादा उम्र है, जिम में जाता है, जिम करता है, घोड़सवारी करता है, हाँ, और दुश्मनों को नेस्तनाबूद करता है। उसका नाम है बोरिस व्लादिमीर पुतिन। अब पता नहीं कब तक राष्ट्रपति रहेगा, ये भी नहीं मालूम। हमको लगता है 2036 तक की गारंटी है उसकी, तब तक तो न जाने क्या क्या करेगा, समझ गया ना। अमेरिका से तब शीत युद्ध था, शीत युद्ध अभी भी है। तो एक मत आपने समझ लिया ये वाला, दूसरा मत क्या है लिखो। सेकंड थिंग्स लिखो, दूसरा मत। ठीक है, लिखो। वन व्यू इज दैट द कोल्ड वॉर, एक दृष्टिकोण यह है कि कोल्ड वॉर ओरिएंटेड फ्रॉम द फुल्टन स्पीच। फुल्टन स्पीच ऑन 5th March 1946। एक दृष्टिकोण यह है कि शीत युद्ध का उद्भव 5 मार्च 1946 फुल्टन भाषण से हुआ, फुल्टन भाषण से हुआ, ठीक है। 5 मार्च 1946 फुल्टन भाषण से हुआ। फुल्टन स्पेलिंग फुल्टन की FULTUN, हर स्पेलिंग में थोड़ी ना अंग्रेजी रहती है, कुछ कुछ स्पेलिंग तो हिंदी जैसी भी होती है। द आर्गुमेंट इज दैट वर्ल्ड वार सेकेंड, द आर्गुमेंट इज दैट वर्ल्ड वार सेकेंड सोवियत यूनियन एंड द यूएस फाइट अगेंस्ट फासिस्ट पावर। तर्क यह है कि फाइट अगेंस्ट फासिस्ट पावर, तर्क यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका ने फासीवादी ताकत के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है,
लड़ा था। वाइल द देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, जबकि वाई द देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल जबकि फुल्टन भाषण पर तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने टिप्पणी की, वाइल द देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल कमेंटेड ऑन फुल्टन्स स्पीच दैट जबकि फुल्टन भाषण पर तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने टिप्पणी की कि वी कैन नॉट सपोर्ट अनदर फासिस्ट पावर वी कैन नॉट सपोर्ट अनदर फासिस्ट पावर इन इन प्लेस ऑफ वन फासिस्ट पावर, हम एक फासीवादी शक्ति के स्थान पर दूसरे फासीवादी शक्ति का समर्थन नहीं कर सकते। एक फासीवादी शक्ति के स्थान पर दूसरे फासीवादी शक्ति का समर्थन नहीं कर सकते। वन फासिस्ट, सो दैट एंग्लो अमेरिकन कॉलिशन, एंग्लो अमेरिकन कॉलिशन, इसलिए सोवियत संघ के विरुद्ध कॉलिशन शुड बी फॉर्म्ड अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, शुड बी फॉर्म्ड अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, इसलिए सोवियत संघ के विरुद्ध एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो इंडियन लिख दिया गया, एंग्लो अमेरिकन है वो, एंग्लो क्या लिखा, हाँ अमेरिकन लिखे, एंग्लो अमेरिकन गठबंधन बनाया जाए। ठीक है, जाओ लिखो, द सोवियत यूनियन वाज एग्रीड बाई, या ऐसा करो एंजर्ड वर्ड लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, एंजर्ड वर्ड और एंजर्ड बाई द कमेंट, एंगर्ड होना चाहिए क्या, एंगर्ड लिखो, हाँ एंगर्ड, द सोवियत यूनियन वॉज एंगर्ड बाई द कमेंट एंड गिव द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर एंड डिवाइडिंग द वर्ल्ड इंटू टू फैक्टर्स, स्पष्ट है कि चर्चिल की टिप्पणी से सोवियत संघ नाराज हुआ और दुनिया दो धड़ों में बट गई। तुम लोग कंफ्यूज हो, मुझसे पूछो ना, वो क्या बताएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही है वो, क्या बोला था, हाँ हाँ उस समय स्टार्लिंग था चीफ, उसका राष्ट्रपति, उसने कहा जर्मनी से फासिस्ट गया, इसकी जगह हम इसको नहीं समर्थन कर सकते, ऐसा वर्ड था। सोवियत संघ नाराज हुआ और दोनों धड़ों में बढ़ते हुए शीत युद्ध को प्रारंभिकी मिली, यहीं से शीत युद्ध चल पड़ा। हाँ ठीक है,
लिखो आलसो नो करके लिखो जरा, तुम इसे भी जाने। ठीक है, एक लिखो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द यूएस, अमेरिका द्वारा गठित संगठन। अमेरिका द्वारा गठित संगठन लिखो बच्चा, नाटो, सीटो, सीटों को लिखना CEATU, सेंटो SANTO, ठीक है सेंटो। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय सोवियत यूनियन, SANTO, गलत है क्या? सेंट्रल CENTO, CNTO, सेंट्रल हमने एस बोला है क्या? हाँ, सी करो, ठीक बोल रहा है ये, सेंटो में सी ही आता है, इसमें सेंट्रल ही है। सीटो तो ठीक है, ऐसा है। हाँ, और इसने क्या बनाया, यूएसएसआर ने क्या बनाया, वर्षा बनाएगा, और क्या बोला चला, SCME लिख दो, CMEA, एक काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस बनाया था। एक हेडिंग बनाओ, रिलेशन बिटवीन कोल्ड वॉर एंड आर्मेंट, आर्मेमेंट, शीत युद्ध और सशस्त्रीकरण के बीच संबंध। आर्मेमेंट का मतलब सशस्त्रीकरण, अब शीत युद्ध चला जाएगा सशस्त्र में, हथियारों से लैस होगी दुनिया, अब समझ गया ना, अब दुनिया हथियारों की ओर जाएगी। ठीक है,